सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है स्कूल की छुट्टी, क्योंकि आज है कोई फेस्टिवल मुहर्रम, तो इसलिए स्कूल की छुट्टी है और इसलिए आज प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो कल हम लोगों ने वीडियो डाला था जिसमें मेरे न्यू फुटबॉल शूज़ आए थे और वो मेरे पीछे रखे भी हुए हैं। बट आज मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कल रिपोर्ट कार्ड मिल गया था। रिपोर्ट कार्ड इतना ड्यूसले हो रहा था क्योंकि कुछ कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे जिनके मार्क्स जुड़ना बाकी थे। तो नाइन्थ का रिजल्ट पता ही है, मतलब मैं अभी टेंथ में हूँ, नाइन्थ का रिजल्ट अब आया है क्योंकि कॉम्पिटिशन चल रहे थे जिनके मार्क्स ऐड नहीं हुए थे और वो अब ऐड हो चुके हैं। तो फिलहाल मैं आपको अभी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा, कितनी परसेंटेज आया गेस करके बताओ कितनी आई होगी। और शूज़ तो बताता हूँ, शूज़ के प्राइस मैंने पिछले ब्लॉग में नहीं बताया था। शूज़ के प्राइस हमारा पड़ा था ऑलमोस्ट 1900 हम लोगों को पड़ गया था, इंक्लूडिंग टैक्स वगैरह। और हमने अमेजोन से ऑर्डर करे थे तो 1850 का दिखा रहा था और ओवरऑल वो 1900 के ही हो गए थे। तो चलो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं रिपोर्ट कार्ड की तरफ और शूज़। गाइस पहले चलते हैं हम लोग अपने शूज़ की तरफ। कल हम लोगों ने ये लोग इसका ट्रायल भी कर दिया था। पहले तो जब ये आए थे तो हम लोगों ने फिगर आउट करा कि इनको पहनते कैसे हैं, क्योंकि इनका ये जो अपर सॉक्स है इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी पहनने में, बट अब नहीं हो रही क्योंकि इसकी टेक्निक समझ गए इसको कैसे पहनते हैं। और ओवरऑल जो इसका एक्सपीरियंस था वो अच्छा ही था। इसके पीछे थोड़ी सी मिट्टी भी लगी हुई है, कल तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी बट मैंने क्लीन कर दिया क्योंकि न्यू शूज़ हैं तो क्लीन करने में मज़ा तो आता ही है। बट हाँ, इसको मेंटेन करके रखेंगे अच्छे से। तो ये था सब कुछ जूते के बारे में, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। कल मेरी फर्स्ट प्रैक्टिस थी इन जूतों के साथ, वरना प्रैक्टिस तो 1.5-2 महीने से चल ही रही है। तो प्रैक्टिस में भी मज़ा आता है, सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं 6:15 या 6:30 तक। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं मेन चीज़ की तरफ। जूते भी मेन है बट जो उससे ज़्यादा मेन है जो कि है रिपोर्ट कार्ड। तो चलते हैं अब हम लोग रिपोर्ट कार्ड के। मैथ्स में आउट ऑफ 195 A+, इंग्लिश में 100 out of 94। मेरे को हिंदी और साइंस में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें लिखा भी है टोटल हमारे 92.17%। सो गाइस फाइनली मैं अपने ट्यूशन से वापस आ चुका हूँ और आज का दिन ही बहुत अच्छा जा रहा है। मेरी परसेंटेज भी अच्छी है 9th की और मेरी सुबह सुबह प्रैक्टिस भी अच्छी गई। और मेरा पिछला व्लॉग था, कल का ही व्लॉग था जो मैंने कल ही शूट करा था, कि हमारे न्यू फुटबॉल शूज़ आ गए तो उसके साथ भी ट्रेनिंग सेशन अच्छा गया। तो पापा जब मैं वापस आया तो मैंने देखा मिठाइयाँ रखी हुई है, पापा लेकर आए क्योंकि अच्छा रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले हम लोग भगवान जी को भोग लगाएंगे और आई एम श्योर इसमें घेवर ही होगा, घेवर का सीज़न चल रहा है, कुछ महीनों के लिए आता है 1 साल में, तो क्यों ना ट्राई आउट करें। तो अभी भगवान जी को भोग चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। अभी हम लोगों ने घेवर रख दिया और इसमें मम्मी की भी फेवरेट मिठाई है, उसका नाम तो मेरे को नहीं याद है बट हाँ ये मम्मी की फेवरेट है और घेवर तो ऑब्वियसली सबका फेवरेट ही होता है, हाउ कैन यू हेट घेवर। और हम इसके ऊपर अभी फिलहाल तुलसी माला रख देते हैं और अभी फिलहाल मैं पूजा भी करूंगा। हम लोग तुलसी माला इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग भगवान जी को कोई भी जो भोग होता है वो बिना तुलसी माला के नहीं चढ़ाते। तो अभी हम लोगों ने तुलसी माला रख दी है तो फिलहाल अभी हम पूजा करते हैं। आज ट्यूसडे भी है तो हनुमान चालीसा भी पढ़नी है अभी, तो वो करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बाद। अभी हम लोगों ने घेवर रख दिया और इसमें मम्मी की भी फेवरेट मिठाई है, उसका नाम तो मेरे को नहीं याद है बट हाँ ये मम्मी की फेवरेट है और घेवर तो ऑब्वियसली सबका फेवरेट ही होता है, हाउ कैन यू हेट घेवर। और हम इसके ऊपर अभी फिलहाल तुलसी माला रख देते हैं और अभी फिलहाल मैं पूजा भी करूंगा। हम लोग तुलसी माला इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लोग भगवान जी को कोई भी जो भोग होता है वो बिना तुलसी माला के नहीं चढ़ाते। तो अभी हम लोगों ने तुलसी माला रख दी है तो फिलहाल अभी हम पूजा करते हैं। आज ट्यूसडे भी है तो हनुमान चालीसा भी पढ़नी है अभी, तो वो करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बाद। तो वैसे अभी हम लोग आ चुके हैं ट्यूशन से वापस और अभी हम लोगों ने मिठाइयाँ वगैरह जो आप लोगों को दिखाई थी, तो फिलहाल करते हैं हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। और कल हमारे शूज़ का दूसरा ट्रायल होने वाला है। हम लोगों को पहले तो मैंने कितनी बार बता दिया है कि हम लोगों को फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगा था कि कैसे पहनते हैं, क्योंकि हम जो बूट्स पहनते थे उसमें वो एक्स्ट्रा सॉक्स लाइट चली गई। तो वैसे ये है टेक 2, लाइट चली गई थी बट कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। होप करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा। मैंने सिर्फ इस ब्लॉग में अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया और शूज़ बताया था। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि उसका प्राइस क्या था, नहीं इस ब्लॉग में बता दिया था वो तो। और उसका ब्रांड था स्पाइका और काफ़ी अच्छे लग रहे थे हम लोगों को वो जूते। तो फिलहाल करते हैं हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पे एंड।
इस ब्लॉग में हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया अपने शूज का जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे का, और बाकी आगे भी बताएंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड। तो यही था इस ब्लॉग में, और अभी मैं जाऊंगा अपने स्कूल का होमवर्क करने के लिए। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे हैंड। होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक तो कर ही देना, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।